ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। बड़ौत ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी अनिता बरखा द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। उनके सामने कोई दूसरा प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाला नहीं आया, इसीलिए अनिता बरखा का निर्विरोध चुना जाना तय है। केवल 10 जुलाई को औपचारिक घोषणा की जानी शेष रह गई है। आपको याद दिला दें कि अनिता बरखा 2 बार लगातार ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और लगातार 3री बार वे ब्लॉक प्रमुख बनेगी। आरओ सूर्य प्रताप ने बताया कि 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अनिता तोमर के रूप में केवल 1 नामांकन प्राप्त हुआ है जिसकी जाँच कर ली गई है। बड़ौत में नामांकन की प्रक्रिया जो है वो विगत 2 दिनों से हम लगातार फार्म बांट रहे थे, तो आज जो है एक श्रीमती अनीता जिनके पति का नाम श्री राजीव तोमर है, बाजितपुर की रहने वाली है, इनका सिर्फ आज एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है और इसका नामांकन का जो है वो स्क्रूटनी भी कर ली गई है और परीक्षण में जो है ये फार्म ठीक है और अग्रिम कार्रवाई जो भी नियमानुसार निर्वाचन की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार हम लोग करेंगे। वहीं अनिता तोमर के प्रतिनिधि अश्विनी तोमर ने बताया कि सभी के आशीर्वाद से इस बार भी उनकी भाभी अनिता तोमर ब्लॉक प्रमुख बनेगी। ब्लॉक के सभी 64 गांवों में विकास कार्यों के लिए भी खाका तैयार कर लिया गया है। मैं भाभी का हुआ है, मेरी बड़े भाई की वाइफ का, अनिता बरखा का, बीजेपी कैंडिडेट है। बीजेपी की ओर से? हाँ जी, हाँ जी। नहीं अब तक तो हुआ नहीं था, बाकी अब अपडेट 3 बजे तक है टाइम, 3 बजे